Hello friends, I am Rathi. As you know, we were studying about the rules for Arithmetic Nomenclature of compounds containing one functional group, multiple bonds and substituent. We reached on rule number 3 and I told you about the rule number 3, numbering the chain terminating functional group. Okay, so in this video, we'll be learning about this rule to some more extent and we'll be discussing some examples regarding it. So let's begin. Fine. मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था इस रूल के बारे में नंबरिंग द चेन नंबरिंग द चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप फाइन तो इस रूल में मैंने आपको बताया था कि विल स्टार्ट एंड नंबरिंग फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप इटसेल्फ की फंक्शनल ग्रुप के पास में कोई भी कार्बन होगा विल बी स्टार्टिंग एंड नंबरिंग फ्रॉम दैट कार्बन इटसेल्फ और अगर सपोज वी आर हैविंग CHO ग्रुप वी आर हैविंग COOH ग्रुप CN ग्रुप देन वी विल बी स्टार्टिंग आवर नंबरिंग फ्रॉम दैट कार्बन इटसेल्फ मतलब हम फंक्शनल ग्रुप को भी अपनी नंबरिंग में इंक्लूड करेंगे ठीक है तो जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था एग्जांपल आपको दिया था मैंने इस एग्जांपल में नंबरिंग स्टार्ट की COOH से बिकॉज सी एक COOH इज हैविंग वन कार्बन तो मैं इस कार्बन को भी इंक्लूड करूंगी अपनी पेरेंट चेन में तो मैं नंबरिंग की 1 2 3 4 जो पेरेंट चेन है वो मेरी 4 कार्बन एटम्स की है तो मैंने इसकी नेम इसके जो नंबरिंग किया था वो क्या किया था 2-ethyl-butane-1-oic acid या फिर 2-ethyl-butanoic acid मैंने आपको इस तरह से कहा था मैंने आपको ये भी कहा था कि हम 1 को हटा सकते हैं तो हम 1 को किस केस में हटा सकते हैं सी ये जो मैंने ब्यूटेन 1-oic acid के अंदर मैंने ब्यूटेनोइक एसिड कर दिया मतलब ये भी कर सकते हैं तो इफ आई एम हैविंग नॉट अदर सेट ऑफ लोकेट तो मैं 1 को हटा सकती हूँ लेकिन अगर मेरे को सेम कंपाउंड में अदर सेट ऑफ लोकेट्स भी मिल रहे हैं और मैं उनकी नंबरिंग कर रही हूँ तो मैं 1 को हटा नहीं सकती हूँ However, the numerical locant 1 is always included when another numerical locant appear in the same name. अगर उसी सेम नेम के अंदर जो मैं कंपाउंड कर रही हूँ अदर कोई लोकेंट्स अपीयर हो रहे हैं तो आई कांट रिमूव माय 1 लेकिन अगर कोई भी अपीयर नहीं हो रहे हैं अदर लोकेंट्स तो मैं 1 को हटा सकती हूँ अब इनके इस केस में आप देखिए इट इज ब्यूटेन 1-oic acid तो इसमें इस ब्यूटेन के बाद कोई और लोकेंट आ नहीं रहा है ओनली इट इज 1 ओनली तो मैं इस 1 को हटा सकती हूँ देयर आर फर्दर मोर एग्जाम्पल जिसमें आपको दिखेंगे कि आर नॉट disappeared the one in my naming as because there are some other locants present in the same name. ठीक है तो let's begin with some of the example ताकि आपको ये जो rule है about the numbering the chain terminating functional group काफी अच्छे से और clear हो जाए. So let's begin with the examples. पहला example हम देखते हैं मैंने example जैसे मेरे पास ये compound है तो मैंने इसकी numbering की भी जिसको ऐसे कि देखिए कि मैंने numbering किस तरह से की है पहले इस कंपाउंड को रिकॉग्नाइज करके ये बताते हैं कि ये कंपाउंड हमारा कौन सा कंपाउंड है इज इट एल्डिहाइड इज इट कीटोन इज इट कार्बोक्सिलिक एसिड इज इट अल्कोहल तो वो आप देख के बताइए इसमें आप हैविंग अ फंक्शनल ग्रुप OH मैंने इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप देखा कि इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप OH है तो ऑब्वियसली ये तो आपके माइंड में क्लिक हो चुका होगा कि जो इसकी नेमिंग होगी इस कंपाउंड की वो एल्कोहल के बेसिस पे होगी मीन्स विल बी हैविंग आर सेकेंडरी सफिक्स एज ऑल तो जो इस कंपाउंड का नेम एंड होगा इट विल डिपेंड टोटली ऑन एल्कोहल तो ये एक तरह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एल्कोहल है ठीक है लेट्स बिगिन तो मैंने नंबरिंग की है 1 मैंने नंबरिंग स्टार्ट कहां से की यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 मेरे पास 7 कार्बन आइटम्स की ये चेन है आप ये कहेंगे आप ये सोच रही होंगे मैं नंबरिंग यहाँ से क्यों स्टार्ट की फ्रॉम दिस एंड अगर सपोज मैं नंबरिंग इस एंड से स्टार्ट करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है 1 2 3 4 5 6 एक तो मेरे पास 6 कार्बन एटम की चेन होती है सेकंड जो मेरा अब OH ग्रुप है जिस कार्बन पे अटैच है वो फोर्थ पोजीशन पे आता है अगर सपोज मैं नंबरिंग इस साइड से करती तो लेट्स देखो 1 2 3 4 5 और 6 आई एम हैविंग टू डिसएडवांटेजेस फर्स्ट ऑफ ऑल माय मेरी जो पेरेंट चेन है द पेरेंट चेन आई एम हैविंग फॉर दिस कंपाउंड इट्स ऑफ नाउ इट हैज बिकम ऑफ 6 कार्बन एटम्स सेकेंड डिसएडवांटेज इज दैट कि व्हाइल आई वाज डूइंग माय नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड आई वाज हैविंग माय हाइड्रोक्सिल ग्रुप दैट मींस OH फंक्शनल ग्रुप एट थर्ड पोजीशन फाइन लेकिन इफ आई एम डूइंग माय नंबरिंग फ्रॉम दिस पोजीशन आई एम हैविंग माय OH ग्रुप एट फोर्थ पोजीशन सो देयर आर टू डिसएडवांटेजेस ऑफ नंबरिंग द कंपाउंड फ्रॉम दिस साइड बिकॉज़ आई एम गेटिंग 6 कार्बन एटम चेन सेकंड माय हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज नाउ ऑन फोर्थ पोजीशन as it was earlier on third position. So, मैं कौन सी chain को prefer करूंगी? I'll be preferring this chain
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन एटम चेन। फाइन, तो ये आपको पता चल गया होगा कि ये हमारा एक हेप चेन बन चुकी है और एक एल्कोहल भी है, तो हेप्टेनॉल तो आएगा ही आएगा। एंड हेप्टेन मतलब हेप्ट भी आएगा और ऑल भी आएगा। ऑल कब आएगा? सेकेंडरी सफिक्स, दैट मीन्स एंड जो होगा इस कंपाउंड का नेम, जो एंडिंग होगी इस कंपाउंड की वो ऑल पे होगी। बाकी अब देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स कहाँ कहाँ अटैच्ड अप है। मेरे पास ये चेन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ओके, तो मैं देख रही हूँ कि आई एम हैविंग अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट ऑन फोर्थ पोजिशन, आई एम हैविंग दी टू अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट ऑन फिफ्थ पोजिशन, आई एम हैविंग वन फंक्शनल ग्रुप एट थर्ड पोजिशन। तो सबसे पहले मैं नेमिंग करूंगी किसकी, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स की। तो लेट्स बिगिन। एंड ऑब्वियसली अगर मैं अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कर रही हूँ तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करोगे सबसे पहले। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सी, मेरे पास यहाँ पर मिथाइल ग्रुप्स हैं और यहाँ मेरे पास फोर्थ पोजीशन पे इथाइल ग्रुप है CH2CH3। ये एक इथाइल ग्रुप है जो मेरा फोर्थ पोजीशन पे अटैच्ड है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आता है, तो ऑब्वियसली आई विल बी डूइंग द नेमिंग ऑफ दिस। तो फोर पे मेरे पास क्या है, इथाइल, तो फोर हाइफन इथाइल अगेन हाइफन। अब फिफ्थ पोजिशन पे आई एम हैविंग टू मिथाइल ग्रुप्स, तो व्हाट आई विल बी डूइंग, 4 ethyl hyphen then 5 again comma 5 5 comma 5 again then hyphen then I'll be writing dimethyl because 2 methyl groups are there so dimethyl. So मैंने लिख दिया dimethyl and then उसके बाद how many carbon atom chain I'm having, 7 carbon atom chain. So it will be heptane, that means heptane. And then at third position I'm having all, so it will be 3 all, ठीक है। तो इसका नेम क्या हो गया, 4 ethyl 5 5 dimethyl heptane 3 all। आप ये सोच रहे होंगे कि हमने ऑल को पहले क्यों लिखा। आई टोल्ड यू व्हाइल आई वाज डूइंग द नोमेनक्लेचर रिगार्डिंग एल्कोहल कि एल्कोहल के अंदर वी विल बी यूजिंग ऑल एज सेकेंडरी सफिक्स, दैट मीन्स जो मेरा वर्ड रूट होगा उसके बाद ही मैं सेकेंडरी सफिक्स को यूज करूंगी। तो मेरा वर्ड रूट यहाँ था हेप्टेन, तो मैंने हेप्टेन यूज किया एंड देन आई यूज द सेकेंडरी सफिक्स ऑल, और वो सेकेंडरी सफिक्स मेरा प्रेजेंट था थर्ड कार्बन एटम पे। तो मैंने क्या किया, हेप्टेन हाइफन 3 हाइफन ऑल, मैंने हेप्टेन का टर्मिनल ई को डिसअपियर किया जस्ट बिकॉज ओ जो था ऑल था, जो ओ में ऑल में ओ था, इट इज अ वॉवल, तो इफ वॉवल्स कम आई हैव टू ड्रॉप द टर्मिनल ई, तो इट बिकम्स हेप्टेन हाइफन 3 ऑल। तो फुल नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 4 ethyl 5 5 dimethyl heptane 3 all। Hope ये example आपको बहुत अच्छे से clear होगा। We'll move on to the next example for more classic clarification of the nomenclature and its numbering. तो हम आते हैं second पे। I have taken this compound CHVCHCl CH COOH and CH3. First of all, remember in your mind कि अगर functional group present है तो हम numbering उस एंड से करेंगे जिस एंड के पास में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, नहीं तो नंबरिंग हम फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे। इन केस इफ आई एम हैविंग द फंक्शनल ग्रुप एज एल्डिहाइड, आई एम हैविंग नाइट्राइल, दैट मींस CN, एल्डिहाइड CHO, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। सो ऑल दीज थ्री फंक्शनल ग्रुप्स आर हैविंग द कार्बन इन देमसेल्व्स ओनली, सो वी विल बी स्टार्टिंग द नेमिंग फ्रॉम देयर इटसेल्फ। तो अगर मेरे पास यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है तो मैं नंबरिंग यहीं से ही स्टार्ट करूंगी। ओके, तो मैंने इसको फर्स्ट नंबर दिया। अगर मैं 1, 2, 3 करती हूँ तो बहुत छोटी चेन बनती है पेरेंट चेन। अगर मैं नंबरिंग इस साइड से करती हूँ 1, 2, 3, 4 तो मेरे पास 4 की बनती है, दैट मीन 3 से ज्यादा की बन गई है। तो मैं पेरेंट चेन को क्या लूंगी, पेरेंट आई विल बी टेकिंग पेरेंट चेन दिस वन, मैं इस वाली को पेरेंट चेन लूंगी, ठीक है। और मैं नंबरिंग COOH से स्टार्ट की बिकॉज इज अ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप को नंबर कम देना चाहिए, प्रेफरेंस उसकी सबसे ज्यादा होती है। तो विल बी गिविंग द नंबरिंग एज 1, तो 1, 2, 3 and 4। अब आप देख रहे हैं कि थर्ड कार्बन एटम पे आई एम हैविंग द क्लोरीन प्रेजेंस, क्लोरीन तो मेरे पास प्रेजेंट है एज सब्स्टिट्यूएंट, और सेकंड कार्बन पे आई एम हैविंग व्हाट, मिथाइल एज सब्स्टिट्यूएंट। तो अब आप देखिए एल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर इन सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग करते हैं, तो इट विल बी 3 क्लोरो हाइफन, पहले 3 देन हाइफन देन क्लोरो देन अगेन हाइफन, इट विल बी 2, 2 पे मैं आई एम हैविंग मिथाइल ग्रुप, सो सेकंड 2 3 hyphen chloro then hyphen again then 2 then hyphen again it will be methyl। अब देखिए कि जो मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, आई टोल्ड यू इसके सेकेंडरी सफिक हम यूज करते हैं ओइक एसिड, तो वर्ड रूट के बाद में ही विल बी यूजिंग आर सेकेंडरी सफिक। तो वर्ड रूट यहाँ पर क्या बनता है हमारा, ब्यूटेन बनता है ना, बिकॉज 4 कार्बन एटम की चेन है, तो इट विल बी ब्यूटेन एंड 1 पे आई एम हैविंग 1 ओइक एसिड। अब हम यहाँ कहेंगे कि मैंने यहाँ 1 को क्यों डिसअपीयर नहीं किया, बिकॉज आई एम हैविंग
other locants present in the same compound. So it will be 3-chloro, 2-methyl, butane, 1-OH acid. Fine? I hope ye sab kuch clear ho gaya hoga. Let's move on to our third example. CH3, CH2, CH3, then over here CHO, CH2 and CH3. पता चल गया होगा कहाँ से नंबरिंग करनी है, यहाँ से नंबरिंग करनी है CHO से. तो लेट्स बिगिन. अगर मैं ये वाली चेन लेती हूँ 1, 2, 3, 4, इट्स 4 कार्बन एटम चेन. ठीक है, अगर मैं ये वाली चेन लेती हूँ 1, 2, 3, 4, इट्स ऑल्सो 4 कार्बन एटम चेन. अगर मैं ये वाली चेन लेती हूँ 1, 2, 3, तो आई कॉन्ट टेक दिस वन बिकॉज इट्स 3 कार्बन एटम चेन. तो मुझे लेनी तो 4 कार्बन एटम है बिकॉज मेरे को 3 और 4 में अगर चॉइस होगी तो आई बी सिलेक्टिंग द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस पेरेंट चेन. तो लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस 3 और 4 में से कौन सी हो गई, 4 हो गई है, तो मैं 4 कार्बन एटम की चेन होगी. तो अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करूँ और मैं नंबरिंग यहाँ से करूँ, बात सेम ही आने वाली है. सो आई डिड द नंबरिंग हियर फ्रॉम हियर दिस साइड. तो इट विल बी 1, 2, 3, 4, 4 हो गया, दैट मींस इट विल बी ब्यूटेन. आई एम हैविंग सी एच, दैट मीन सेकेंडरी सफिक्स जो यूज करने वाली हूँ मैं वो है अल. गॉट इट? तो आई एम हैविंग द वर्ड रूट ब्यूटेन एंड आई एम हैविंग द सेकेंडरी सफिक्स अल, तो इट विल बिकम ब्यूटेन एंड वन अल बिकॉज वन पे मेरा एल्डिहाइड है. लेकिन उससे पहले आई हैव टू नेम द एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट. यू कैन सी ओवर है कि दो सेकेंड कार्बन एटम पे मेरे पास मिथाइल भी है और मेरे पास इथाइल भी है. तो आई विल बी नेमिंग इट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. ठीक है, तो इट विल बी 2-ethyl, अगेन -2-methyl, इट विल बी ब्यूटेन 1-1. गॉट इट? मैंने मेंशन इट डिसअपीयर बिकॉज देयर आर सम अदर लोकेंट्स प्रेजेंट इन द सेम नेम. ओके, आते हैं फोर्थ पे. तो CH3CH2CHBr C double bond O O C2H5. आप यहाँ कुछ देख रहे होंगे कि जो ये वाला है और जो ये वाला है, देयर आर टू एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट ओवर हियर. कुछ रिमेम्बर आया, दो एल्काइल ग्रुप्स आर सी ओ ओ आर डैश, इट इज एस्टर, आई टोल्ड यू. ठीक है, तो जो आर डैश होगा वो हमेशा एल्काइल होगा और जो आर होगा इट कैन बी एच इन एनी ऑफ द एल्काइल ग्रुप. फाइन, नहीं करते हैं हम स्टार्ट. तो अब मैं नेमिंग कहां से स्टार्ट करती हूँ. लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मुझे देखनी है, तो ऑब्वियसली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मुझे इधर मिल रही है बिकॉज इधर दो ही कार्बन एटम्स हैं. तो मैंने कार्बन इसी को लूंगी, सी डबल बॉन्ड ओके कार्बन से स्टार्ट करूंगी. तो 1, 2, 3 एंड 4. ओके, आई फील आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या करने वाली हूँ इस नॉमेनक्लेचर के अंदर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल नेम दिस एल्काइल ग्रुप. मैंने बताया था आई विल बी नेमिंग दिस एल्काइल ग्रुप, तो मैंने लिख दिया इसका इथाइल. इज इट करेक्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव नेम्ड दिस एल्काइल ग्रुप, मैंने इसका नाम लिख दिया. मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास दो तरह के एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, बिगर एंड एक स्मॉलर, तो स्मॉलर को नेम फर्स्ट करते हैं, देन के बाद वी प्रोसीड फर्दर. ठीक है, तो मैंने स्मॉलर, जो मेरे पास C2H5 है और यहाँ मेरे पास पेरेंट चेन है, तो मैंने सबसे पहले एक सब्स्टिट्यूएंट ऐड किया बिकॉज सी डबल बॉन्ड ओ मेरे पास एक कार्बन है और डी मेरे पास C2H5 है. तो सबसे पहले मैंने नेमिंग इसकी की, इट इज इथाइल. देन सेकेंड पोजिशन पे मेरे पास क्या है, ब्रोमो, तो मैंने ब्रोमो लिखा. एंड देन फिर मैंने ब्यूटेन किया, 1 पे आना भी OA, तो इट इज इथाइल 2-ब्रोमो-ब्यूटेन-1-OA. आई फिर यहाँ पता चल गया होगा कि मैंने नेमिंग 1 से किया तो 1-OH पे ही आ गया. इथाइल मेरा इधर प्रेजेंट है तो इथाइल, और OH क्यों आया, बिकॉज इट इज सी डबल बॉन्ड ओ, इट इज ओवर हेयर प्रेजेंट. ठीक है, तो ये इथाइल हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल नेमिंग इसकी हो गई. देन उसके बाद में 2 पे ब्रोमो है, देन ब्यूटेन 1-OH. आई फिल क्लेरिफाई हो गया होगा बिकॉज आई एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट दिस नोमेनक्लेचर इन माई प्रीवियस वीडियोस. फाइन, कमिंग टू फिफ्थ वन, CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2OH, ऑब्वियसली दिस एल्कोहल. तो अब नेमिंग स्टार्ट करते हैं यहीं से, इस कार्बन एटम से. पता क्यों? क्योंकि OH एक फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके नियर एंड से हम नेमिंग इसकी नंबरिंग स्टार्ट करते हैं. तो इट्स 1, 2, 3, 4. ओके, तो 4 पे इट विल बी ब्यूट. देन -2 पे ईन है मेरे पास बिकॉज सेकेंड कार्बन पे मेरे पास डबल बॉन्ड स्टार्ट हो गया है. तो ब्यूट -2 ईन, और ई एन ई मैंने यहाँ क्यों नहीं लिखा, आई मैंने यहाँ ईन का इन क्यों लिखा, बिकॉज मेरे पास यहाँ ऑल प्रेजेंट है तो ई को मैं ड्रॉप कर दूंगी. तो इट विल बिकम ब्यूट 2-ईन-1-OR बिकॉज 1 पे और एल्कोहल प्रेजेंट है. तो इट इज ब्यूट 2-ईन-1-OR. आई होप ये नॉर्मल फीचर्स आपको काफी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. लेकिन स्टिल अगर आपको इनमें कोई डाउट हो तो प्लीज डू आस्क योर डाउट्स इन द स्पेस गिवन बिलो. टिल देन टेक केयर एंड लुक बैक.